मुरादाबाद थाना पागवड़ा निवासी महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट। बेहोशी की हालत में परिजन लेकर पहुंचे महिला को एसएसपी कार्यालय। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। आपको बता दें कि थाना पागवड़ा निवासी महिला के परिजन बेहोशी की हालत में थाना सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व महिला पागवड़ा थाना क्षेत्र में अपने घर के पास चूल्हे पर कुछ बना रही थी, जिससे उठते धुएं से पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला को काफी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बेहोशी की हालत में परिजन सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय लेकर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। परिजनों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ थाना पागवड़ा में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, लेकिन थाना पागवड़ा पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आपका कमलेश जी, ये कौन है आपकी बेटी? क्या नाम है इनका? शिवानी। क्या हुआ है इनके साथ? इनके साथ में यो हुआ का देखो, अजय को खाना बनानी थी शाम के खाने, इन्हें यो कहा का देखो कहना है तू धुआं मत करे। इन्हें यो कहा मेरा घर है, बताओ मैं खाना कहाँ बनाऊँगा। बोले देखो खाना कहाँ बनाएगी, तो कह तो छूट से माँ बहन की गारी नहीं लड़की को। मैं जब लड़की को दही, उनने लड़की ने भी फिर लौट के जवाब दिया कि तुम मुझे मेरी माँ बहन को कह रहा तो मैं भी तेरी माँ बहन को ऐसा कहूँगी। उसके बाद में आए अंदर से तीनों भैया आए के लोने यहाँ पे मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में बदतमीजी करी इसके साथ में, और बदतमीजी करने के बाद में जब इसकी सास आई है, जब जाए कर छोड़ छाड़ के जब तीनों भैया भागे हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं और आप लोग कहाँ रहते हैं? हम हंसोली संभल। ये कहाँ की घटना है? ये घटना पागड़पुर थाना पागबड़ा। हाँ। वो लोग कहाँ रहते हैं जिन्होंने मारपीट की है? घर के बराबर में। अच्छा, थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? हाँ कराई। तो क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने कोई सुनवाई ना करी, पैसा भर दिया हमारी, कोई सुनवाई ना करी उन्होंने। तो आज अब कहाँ लेकर आई हो आप इसे? आप हम तो यहीं लेकर आए सर तुम्हारे पास ही। तो मुलाकात की आपने कप्तान साहब से? ना, अभी इलाज के लिए कह दी उन्होंने, वो नहीं मिले।